नमस्कार दोस्तों, सीपीसीटी जनवरी 2023 के लिए आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन चीज़ों के बारे में। पहली जो चीज़ रहेगी हमारी वो रहेगी हमारी संचार की विधियाँ। क्या रहेंगी? संचार की विधियाँ। दूसरी चीज़ जो रहेगी वो हमारी रहेगी मॉड्यूलेशन। क्या रहेगी? मॉड्यूलेशन। तीसरी जो चीज़ रहेगी वो हमारी रहेगी मॉडेम। देखिए तीनों क्या है, बहुत ज़्यादा IMP हैं, तीनों से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, संचार की विधियों की। तो जो संचार की जो विधियाँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, संचार की जो विधियाँ होती हैं ये हमारी होती हैं तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। पहला जो प्रकार होता है वो होता है हमारा सिंप्लेक्स। क्या होता है? सिंप्लेक्स विधि होती है। कौन सी विधि होती है? सिंप्लेक्स विधि होती है। नाम देख लिया आप लोगों ने, कौन सी विधि होती है? सिंप्लेक्स विधि होती है। देखिए सिंप्लेक्स विधि में क्या होता है, सिंप्लेक्स विधि में क्या होता है कि डेटा का जो संचार होता है, डेटा का जो संचार होता है वो एक ही दिशा में होता है। किस साइड होता है? सिर्फ एक ही दिशा में होता है। ये कौन हो जाएगा? हमारा प्रेषक। और ये हमारा कौन हो जाएगा? भाई साहब प्राप्तकर्ता। तो सिंप्लेक्स विधि में क्या होता है कि डेटा का जो संचार होता है वो एक ही दिशा में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रेडियो होता है वो किस विधि का उदाहरण है? सिंप्लेक्स विधि का उदाहरण है। क्या आप रेडियो में आवाज़ तो उसकी सुन पाएंगे पर क्या आप जो बोलेंगे वो सामने वाला सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। टीवी में क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, टीवी में भी ऐसे ही होता है। तो रेडियो टीवी किस तरीके के उदाहरण हो गए? संचार विधि का, सिंप्लेक्स विधि का उदाहरण हो गए। दूसरी जो विधि हमारी इसमें रहेगी वो हमारी क्या रहेगी? दूसरी जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी हाफ डुप्लेक्स विधि। कौन सी हो जाएगी? हाफ डुप्लेक्स विधि। क्या हो जाएगी? हाफ डुप्लेक्स विधि। देखिए हाफ डुप्लेक्स विधि में क्या होता है कि संचार का जो आवागमन होता है दोनों दिशाओं में होता है। किस साइड से? यानी कि मान लीजिए संचार एक बार इधर जा सकता है तो दूसरी बार उधर से इधर भी आ सकता है। पर क्या होता है कि एक बार में संचार जो हमारा डेटा है वो एक ही दिशा में गतिमान रहेगा। यानी कि एक बार अगर इधर जा रहा है तब इस साइड नहीं आएगा और अगर इस साइड आ रहा है तो फिर इस साइड से नहीं जाएगा। यानी कि देखिए क्या होता है कि जब हम टेलीफोन पे जब हम बात करते हैं तो जब हम बोलते हैं तो उसको सुनाएगा, जब हम बोलेंगे तो उसको सुना जाएगा, लेकिन यदि वो भी उसी समय बोलेगा तो दोनों की बातें क्या हो जाएंगी? आपस में मिक्सचर हो जाएगी, दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो मोबाइल है वो किस विधि पे कार्य करता है? हमारा हाफ डुप्लेक्स विधि पे कार्य करता है। तीसरी जो विधि हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण डुप्लेक्स विधि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी हमारी पूर्ण डुप्लेक्स विधि। देखिए पूर्ण डुप्लेक्स विधि में क्या होता है कि इसमें आवश्यकता पड़ेगी आपको चार तारों की। कितने तारों की आवश्यकता पड़ेगी? चार तारों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। एक में ऊपर साइड से इस तरीके से डाटा आएगा और जाएगा, ठीक है, और दूसरे में इस साइड से डाटा आया और इस साइड से डाटा गया। यानी कि इसमें एक ही समय पर जो हमारा डेटा है, जो हमारी सूचनाएँ हैं वो आ भी सकती हैं, हमारी साइट आ भी सकती है और हमसे जा भी सकती हैं। यानी कि दोनों कार्य इसमें हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं? पूर्ण डुप्लेक्स विधि में हो सकते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? संचार की विधियाँ पढ़ ली। अभी आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि संचार की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने पढ़ लिया संचार की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती है, और तीनों संचार की विधियों के बारे में भी हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। चलिए अब बात हम लोग किस पे कर लेते हैं, मॉड्यूलेशन पे बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब कंप्यूटर से डेटा निकलता है, कंप्यूटर से जब भी डाटा निकलता है तो उस डाटा की जो लेंथ होती है ना, जो भी संकेत होते हैं कंप्यूटर से, जो भी संकेत उत्पन्न होते हैं वो डिजिटल संकेत होते हैं, और उन वो जो संकेत होते हैं उनकी जो लेंथ होती है, उनकी जो आवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? कम होती है। और जहाँ जिस स्थान तक उन्हें पहुँचना होता है उससे पहले ही उनकी जो गति होती है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। उनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए इनको बढ़ाने के लिए जिस पाथ का यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा मॉड्यूलेशन कहलाता है। और मॉड्यूलेशन भी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। सिर्फ हमें यही याद रखना है कितने प्रकार का होता है, और उन तीनों प्रकारों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? आयाम मॉड्यूलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयाम मॉड्यूलेशन हो जाएगा।
दूसरा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आयाम मॉड्यूलेशन के बाद क्या हो जाएगा, हमारा आवृत्ति मॉड्यूलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवृत्ति मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तीसरा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कला मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और कला मॉड्यूलेशन, इनके बारे में डिटेल में पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तक भी इन यहाँ से इनके अंदर से क्वेश्चन नहीं आया और ना ही ऐसी कोई संभावना भविष्य में भी हमें दिखाई दे रही है। चलिए, तो इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं अब मॉडेम की। देखिए मॉडेम क्या है, बहुत ज़्यादा आईएमपी टॉपिक है हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से। मॉडेम क्या है, बहुत ज़्यादा आईएमपी टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, मॉडेम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। देखिए क्या होता है कि इसकी इसका जो एक सिरा होता है वो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, और इसका जो दूसरा सिरा जो होता है वो हमारी टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर से लिए गए एनालॉग सिग्नल को काहे में बदलना, डिजिटल सिग्नल में बदलना, और डिजिटल सिग्नल को काहे में बदलना, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, किसका कार्य होता है, ये होता है हमारे मॉडेम का कार्य होता है। मॉडेम किस तरीके की डिवाइस है, तो मॉडेम एक इनपुट डिवाइस भी है और मॉडेम एक आउटपुट डिवाइस भी है। इसके बारे में हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लिया। एक आधी बात अगर इसमें रह गई हो तो वो मैं आपको देख के भी बता देता हूँ। देखिए क्या होता है इसमें, हाँ, नए संचार माध्यमों में देखिए क्या होता है कि ISDN और DLS है ना, ISDN और DLS, ISDN और DLS इस तरीके के जो माध्यम है वो इसमें कार्य में अभी उपयोग में आने हमारे लगे हैं। तो ये क्या हो गई हमारी मॉडेम की, हमने पूरी तरीके से यहाँ पे पढ़ लिया। मॉडेम के प्रकार भी हम लोग देख लेते हैं। तो मॉडेम देखिए दो प्रकार का होता है, मॉडेम के प्रकार के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो मॉडेम हमारे कितने प्रकार का होता है, मॉडेम दो प्रकार का होता है, एक हमारा क्या हो जाएगा आंतरिक मॉडेम और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बाह्य मॉडेम। एक क्या हो जाएगा आंतरिक मॉडेम और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बाह्य मॉडेम हो जाएगा। चलिए, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया आंतरिक मॉडेम भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया और बाह्य मॉडेम भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो आंतरिक मॉडेम के बारे में आपको बता दूँ कि जो आंतरिक मॉडेम जो हमारा होता है वो कहाँ होता है, हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। कहाँ होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर। और जो बाह्य मॉडेम जो हमारा होता है वो कहाँ होता है, हमारे सिस्टम यूनिट के बाहर होता है ना। आंतरिक मॉडेम हमारा कहाँ होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, और जो बाह्य मॉडेम है हमारा वो कहाँ हो जाता है, सिस्टम यूनिट के बाहर हो जाता है। तो हमने किस किस के प्रकार पढ़ लिए, हमने संचार के प्रकार, संचार की विधियाँ पढ़ ली, संचार की कितनी विधियाँ होती, कितने प्रकार की होती वो हमने पढ़ लिए। हमने मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ लिए कि तीन प्रकार के होते हैं, आयाम, आवृत्ति और कला मॉड्यूलेशन होते हैं। संचार की विधि हमने सिंप्लेक्स विधि हमने पढ़ ली, हाफ डुप्लेक्स विधि हमने पढ़ ली, फुल डुप्लेक्स विधि हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने मॉडेम भी पढ़ लिया, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होता है। मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं, तो मॉडेम दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक मॉडेम और बाह्य मॉडेम। मॉडेम का कार्य क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। तो ये थी हमारी आज की कक्षा। कम से कम समय मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की कोशिश की है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।